वो ये लैक ऑफ स्किल है, एज सिंपल एज दैट, जो ये मनुष्य मानते भी हैं आपकी हमारी लैक ऑफ स्किल है। बिल्कुल है। और वो जमाना चला गया जब आपके पास राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिंह वीरेंद्र सिद्धू, सहवाग, वीरेंद्र सहवाग जो थे, लक्ष्मण, स्पिनर्स कांपते थे उनके आगे। हाँ आज स्पिनर्स जो हैं, कोई भी आप ये देखो ना, पीछे आप कुछ साल उठा के देख लो, ऐसे ऐसे स्पिनर्स आए हैं इंडिया में और वो सक्सेसफुल होकर चले गए हैं। एंड बाय द वे, ये न्यूजीलैंड टीम कौन सी है? ये श्रीलंका में इतनी बुरी तरह हार कर आई है ये श्रीलंका टीम, आज आपको ये आंख दिखा रही है। अच्छा, सीमिंग ट्रैक आपको उस दिन ऐसा मिल गया, आप उस पे नहीं खेल पाए, चलो ठीक है, हमने कहा कि जी एबरेशन हो गया। यहाँ पे स्पिनर्स के अगेंस्ट, अब देखो सरफराज ठीक है, वो लड़का बहुत खेलेगा क्रिकेट, बट आपको ये भी देखना है जब आप ऊपर वाली क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें होता क्या है। आप देखो तीनों डिसमिसल सुन के, पिछली तीन पारियों के तीन डिसमिसल देखो, फुल लेंथ बॉल आती है वो बहक जाते हैं कि ये तो क्लियर ही करना है। अब फर्क आता है, जो हम कल बात कर रहे थे, इंडिया ने जब 259 पे इनको ऑल आउट किया, हम सबने बड़ी ताली बजाई। अरे यार, मैंने खुद कहा 450 मारेगी इंडिया, क्यों? क्योंकि मुझे अपने लोअर ऑर्डर पे तो भरोसा था, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब लोअर ऑर्डर आपका चल नहीं रहा है तो आपका स्कोर जो है आपके आपको सामने दिख रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो मैं सरफराज की बात कर रहा था कि बॉल ऊपर आई और उन्होंने सामने कैच दे दिया, फुल लेंथ डिलीवरी थी, डिफेंस करने की गैप में एरियल शॉट खेल गए। अब इंडिया ने क्या किया है, जिसकी हम मनोज कल आपने पहले सेशन में भी बात करी, जिसकी आपने दूसरे सेशन में भी बात करी, क्या कि हमने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ खोल दिया था। सरफराज आउट कहां पर हुआ, कैसे हुआ, मिड ऑफ पे आउट हुआ। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।